नमस्कार। मनु माधव सेवा संस्थान द्वारा संचालित वेबिनार श्रृंखला में उपस्थित सभी माननीय अतिथियों व ऑनलाइन देख रहे दर्शकों का मैं मोनिका चौहान हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मनु माधव सेवा संस्थान द्वारा समय समय पर अलग अलग विषयों पर हमें वेबिनार के द्वारा विद्वानों और प्रतिभा के धनी लोगों का उद्बोधन प्राप्त होता रहा। सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का परिचय कराना चाहूंगी। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर वंदना पांडे जी उपस्थित हैं। महान शिक्षाविद डॉक्टर वंदना पांडे जी की पत्रकारिता एवं जनसंचार, मीडिया शोध तथा जनसंपर्क जैसे विविध विषयों पर अनेकों पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। साथ ही आपने शोध पत्र कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आप गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय हिसार, हरियाणा के डीन, फैकल्टी ऑफ मीडिया स्टडीज आदि पदों से सेवा निवृत्त हैं। आपने विश्वविद्यालय में विभिन्न शीर्षार्थ पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। अध्यापन, शोध, प्रबंधन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के चलते आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में आप गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में जनसंचार विभाग की अध्यक्ष हैं। डॉक्टर वंदना पांडे जी, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। परिचय की श्रृंखला में आज के कार्यक्रम के सहवक्ता श्रीमान करुणेश शुक्ला जी हैं। आप पेशे से वकील हैं। वर्तमान समय में आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। आपने राम जन्मभूमि के फैसले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महंत धर्मदास जी महाराज के वकील रहे। आप अब कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के लिए केस लड़ रहे हैं। करुणेश जी, आपका भी आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती प्रीति चौहान जी कर रही हैं। आप एक अध्यापिका होने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय हैं। प्रीति जी, आपका आज के कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया मौन होकर देखती रह गई और अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के हाथों में चला गया। 15 अगस्त 2021 की सुबह जब भारत में लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, तब तालिबान के लड़ाके अफगान राजधानी काबुल पर घेरा डाल रहे थे और अफगान नागरिकों की आजादी पर कब्जा पक्का कर रहे थे। भारत की स्थिति काफी संवेदनशील है। पिछले 20 सालों में अरबों डॉलर अफगानिस्तान के विकास में निवेश कर चुका है, जिसमें स्कूल, अस्पताल, बिजली, गैस समेत कई बड़ी परियोजनाओं पर भारत ने काफी खर्च किया। लेकिन अब तालिबान शासन आने से ये सब खत्म हो चुका है। मैं डॉक्टर वंदना पांडे जी से आग्रह करूंगी कि वह अफगानिस्तान की इस हालत का भारत पर भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में हमें ही नहीं बल्कि हमारे साथ जुड़े सभी दर्शकों को अवगत कराने की कृपा करें। आपका माइक। इस कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। मनु माधव सेवा संस्थान द्वारा आयोजित इस वेबिनार में और केशव संवाद के इस सजीव प्रसारण कार्यक्रम में अपने आप को शामिल कर अपनी सहभागिता सिद्ध कर मुझे अत्यंत गौरव का अनुभव हो रहा है। जो विषय मुझे दिए गए हैं आज, जिस विषय पर चर्चा के लिए आज हम सभी यहाँ पर एक सूत्र में आबद्ध हुए हैं, यहाँ पर जुड़े हैं, वह है अफगानिस्तान में तालिबान का भारत पर असर। इतना ज्वलंत विषय है ये कि इसके इसके इसकी चर्चा मात्र से या इसके विषय में सोचने मात्र से बहुत कुछ मन उद्वेलित हो रहा है,
बहुत सारे पक्षों को लेकर मन उद्वेलित हो रहा है। निश्चित रूप से अपने राष्ट्र पर पड़ने वाले प्रभावों पर, राष्ट्र के सम्मुख इस अफगानिस्तान में जो तालिबानी राज्य स्थापित हुआ है उससे उत्पन्न चुनौतियों के संबंध में, और वहां रह रहे नागरिकों के, महिलाओं के, बेटियों के संबंध में भी कूटनीतिक स्तर पर, राजनयिक स्तर पर और व्यापारिक स्तर पर, ट्रेड के स्तर पर, सामरिक दृष्टि से भी बहुत सारी चुनौतियों के संदर्भ में हमें इस पर आज बात करना है। और इसके कानूनी पक्ष पर आज के जो हमारे सहयोगी हैं, जो विधि विशेषज्ञ हैं, उनकी चर्चा को भी हम सुनेंगे। लेकिन बात निश्चित रूप से है कि जब से अमेरिकी सेना की वापसी और फिर देश पर तालिबान के नियंत्रण से अफगानिस्तान न सिर्फ एक अफरा तफरी का शिकार हुआ, बल्कि एक ऐसे तालिबानी हुकूमत के शिकंजे में वो अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहा है, जिसके लिए वहां की जनता ही स्वयं को तैयार नहीं मानती है। इस नए परिदृश्य में न केवल अफगानिस्तान में तालिबान का स्थापित आधिपत्य हुआ, बर्बर आधिपत्य हुआ है, बल्कि मैं ये कहूं कि अफगानिस्तान के भी सरकार ने एक तरह से आत्मसमर्पण ही कर दिया। यह बहुत चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। अभी तक कमोबेश अफगानिस्तान में तालिबान ने एक पंचशील को छोड़कर अधिकतम राज्यों पर कब्जा कर लिया है, अधिकतम हिस्सों में कब्जा कर लिया है, क्षमा करेंगे। और अब तो विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि जैसी उनकी घोषणा भी हो चुका है तालिबान के द्वारा कि अब उनकी सरकार वहां बनेगी, और जो तालिबान के जो मठाधीश हैं, जो वो बर्बर मठाधीश जिसे कहेंगे, उनका साम्राज्य होगा, उनका शासन होगा, उनका शासनादेश भी होगा। ये जो पूरे अफगानिस्तान में तालिबान के होने से भारत के लिए निश्चित रूप से एक रणनीतिक विकल्प जो है था, वो एक जटिल स्थिति में उत्पन्न हो गया है। और ये किसी से छिपा नहीं है कि भारत के प्रति अभी चीन का और पाकिस्तान का कितना शत्रुतापूर्ण रवैया है, कितना तनाव उन्होंने उत्पन्न कर रखा है। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए तालिबान के इस बर्बर राज्य की स्थापना से मुश्किलें तो खड़ी हो सकती हैं। मुश्किलें यद्यपि कि हम अपनी कहते हैं कि सरकार पर और अपने राष्ट्र की वैदेशिक नीति के प्रति इतने आश्वस्त हैं कि यह भी हमें पूर्ण विश्वास है कि उस संकट का, उन चुनौतियों का समाधान और विकल्प भी निकाल लिए जाएंगे। लेकिन जो सबसे विषम स्थिति है वो है कि इसमें, या जिन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए वो है कि इसमें पाकिस्तान का एक तरह से अपर हैंड है, और लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए- मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाके को अपना बेस बनाए हुए थे और जो तालिबान के साथ मिलकर पूरे इस बर्बरता में, इस आधिपत्य में, इसमें अपना ठिकाना बनाने में एक तरह से उन्होंने अपना ठिकाना सब बना लिया है। उनका सहयोग भी उन्हें प्राप्त है और तालिबान का भी प्रत्यक्षता और अप्रत्यक्षता समर्थन भी प्राप्त है। तो अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल का मतलब यह भी है कि आप अफगानिस्तान के पाकिस्तान में आप पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का अपर हैंड रहेगा। ये एक स्थिति है जिसको एक चुनौतीपूर्ण मानना चाहिए। और पिछले 20 सालों में भारत ने अफगानिस्तान में जो विकास और जो मूलभूत आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम किया है, वह धूमिल पड़ने की आशंका उत्पन्न हो गई है इस पर। दूसरी जो चुनौती सामने आई है वह है ट्रेड पर खतरा उत्पन्न हुआ है। यह स्पष्ट है, हम सभी लोग समाचारों के माध्यम से इस बात से अवगत हो रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान ट्रेड पर तालिबान के आधिपत्य से प्रभाव पड़ा है। और इसके अलावा तालिबान के रहते हुए अफगानिस्तान का ट्रेड ग्वादर और कराची पोर्ट से जो व्यापार का, जो ट्रेड का जो वस्तु स्थिति थी, उस पर भी ये चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसे में भारत का ईरान के चाबहार पोर्ट पर निवेश का
अफगानिस्तान के केस में विशेष सतर्कता, विशेष मंथन की आवश्यकता पड़ेगी। और यही एक कारण है कि अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान के जरिए कनेक्टिविटी पर जोर दिया है अभी भी अफगानिस्तान में। सो नया बना अमेरिका उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान क्वाड ग्रुप भी इसका एक उदाहरण है। भारत द्वारा बनाए गए जरांज डेलाराम हाईवे और सलमा डैम पर भी अब तालिबान का कब्जा हो चुका है और कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है जिन पर कि तालिबान का कब्जा है या जिन पर खतरा सा मंडरा रहा है बहुत, जिस और अभी स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि तालिबान का क्या रुख होगा। यद्यपि तालिबान बार बार यह घोषणा कर रहा है कि भारत द्वारा स्थापित विभिन्न प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर्स और जो निवेश किए गए हैं उनकी वह सुरक्षा करेगा, लेकिन तालिबान की बात पर कितना कुछ विश्वास किया जाए और किस तरह से उस चुनौती का सामना किया जाए इस पर विचार मंथन की बहुत आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने आई है वह है कट्टरपंथ पर खतरा है कि तालिबान के आने से कट्टरपंथ जो है वह चरम रूप में उभर कर सामने आएगा और दुनिया भर में इस्लामिक कट्टरपंथ के रेडिकल इस्लाम के बढ़ने का खतरा भी उत्पन्न हो गया है और इसका असर, इससे भारत भी अछूता नहीं रह सकता है। कई ऐसे उदाहरण मिले हैं, भारत में रहने वाले कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे वामपंथी समूह हैं, कई ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुलकर तालिबान की वकालत की है और उनको उनको ये बड़ी जल्दी पड़ी हुई है कि तालिबान के लिए जैसे भी हो सके ये उनको एक तरह से उसकी प्रशंसा की जाए, उसको समर्थन दिया जाए। वहीं एक दूसरा गुट यह भी है जो ये कहता है कि सरकार ने तालिबान के कुछ दलों से किसी तरह की चर्चा या संवाद स्थापित क्यों की, जो कि दोहा में अभी जिसकी चर्चा हुई थी। तो ये जो कहते हैं कि जो एक संशय और एक अपने आप में विरोधाभासी स्थितियां उत्पन्न करके मनोबल को, भारत के मनोबल को तोड़ने के लिए जो प्रयास भारत के अंदर ही किए जा रहे हैं उसके प्रति भी ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसके लिए भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में जब पूरे पूरे विश्व में इस्लामिक कट्टरपंथ के बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो गया है जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा और अभी अमेरिकी समर्थन के बाद तो मुजाहिदों ने जैसे पहले सोवियत संघ को हराया था लेकिन बाद में अफगानिस्तान में कई आतंकी और कट्टरपंथी संगठन सामने आ गए थे, तो इस स्थिति में भी ये इस्लामिक कट्टरपंथ से निपटने के लिए एक सुदृढ़ चुनौती और विश्व स्तर पर एक मजबूत संगठन की आवश्यकता है। गाहे बगाहे कहे या लगातार कहे या निरंतर भारत अपनी बात मजबूती से आतंकवाद के संदर्भ में विश्व पटल पर उठाता रहा और विश्व के कई राष्ट्रों को अपने साथ उसने इस विषय पर अपने साथ मजबूती के साथ खड़ा भी पाया है। फिर भी तालिबान की जो मूलभूत प्रवृत्ति है, जो विध्वंसात्मक प्रवृत्ति है और वो जिस तरह के अपने एक रेडिकल इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध नजर आता है उसके प्रति भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक विषम चुनौती है और सिर्फ एक इस्लामिक कट्टरवाद नहीं है, उस इस्लामिक कट्टरवाद के द्वारा भारत की भी के भी सोशल फैब्रिक को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, भारत के भी जो बॉर्डर एरियाज है वहां से कई तरह के घुसपैठियों के और भी छद्मवेशी रूप में घुसने की संभावनाएं प्रबल होंगी, तो इस पर बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। कई ऐसे विशेषज्ञों ने अपने विश्लेषण में ये बताया कि भारत के पास कई विकल्प हैं, हालांकि यद्यपि कि वो आसान नहीं है, फिर भी यह है कि भारत यह प्रतीक्षा कर रहा है, जो कि असंभव सा लगता है कि भारत सिर्फ लोकतांत्रिक रूप से ही चुनी गई सरकार को अपना समर्थन दे और ह्यूमन राइट्स के संदर्भ में अमानवीय सहायता देने के लिए अपने स्टैंड पर टिका रहे, और ऐसा भारत सरकार ने अभी हाल में किया भी है, उसने अपना रुख स्पष्ट किया है कि भारत तालिबान अफगानिस्तान की जमीन को किसी प्रकार के आतंकवाद के उपयोग या किसी आतंकवादी संगठन के उपयोग के लिए यदि उसका उपयोग होता है तो इस पर भारत की बहुत ही तीव्र असहमति है और यदि इस पर तालिबान अगर ना होने दे, इस पर आतंकवादियों द्वारा भारत अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग या उसका दुरुपयोग ना करने दे यदि तालिबान, तब तो ठीक है, अन्यथा उससे अलग हटकर कोई चर्चा
नहीं की जा सकती है। अपने भारत अफगानिस्तान में रह रहे अपने प्रवासियों के लिए भी, अपने भारतीयों के लिए भी भारत चिंतित है, और उस विषय पर भी उसने बात किया तालिबान से कि हमारे भारत के रहने वाले कोई भी ऐसे लोग जो अफगानिस्तान में प्रवासी हैं, उनकी सुरक्षा पर किसी भी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। यद्यपि कि तालिबान इन सभी बातों का आश्वासन दे रहा है, लेकिन सरकार के सामने यह चुनौती है कि वह किस प्रकार से इस विध्वंसकारी समूह के साथ अपनी बात भी करे, और क्योंकि कुछ राष्ट्र जो है उनको समर्थन दे रहे हैं, विश्व के कई राष्ट्र दे रहे हैं, सोवियत रूस जैसे, चाइना जैसे राष्ट्र जो है ये समर्थन देकर उनका मनोबल तालिबानियों का बढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत के लिए ये एक विकट स्थिति है। तो दूसरी चीज ये है कि भारत को अपने ह्यूमन राइट्स या मानवीय सहायता के अपने स्टैंड पर टिके रहना होगा, ये एक चुनौती है। और एक विकल्प यह भी है कि भारत अफगानिस्तान सेना को ईरान के रास्ते सैन्य मदद दे, अफगानिस्तान सेना को, जो कि बहुत मुश्किल और विषम लगता है। लेकिन क्योंकि तालिबान ने भी यह धमकी दी है कि भारत अगर अफगान सेना को सपोर्ट करता है तो उसे उसके नतीजे भुगतने होंगे, तो ये एक, लेकिन ये एक विकल्प है जिस पर बातचीत की संभावनाएं खुली रह सकती हैं। पाकिस्तान फैक्टर जो है वो ऐतिहासिक कारणों और मौजूदा हालत की वजह से भारत के लिए एक विषम चुनौती है। पाकिस्तान तो भारत के लिए एक दंश है, यह एक ऐसा दंश है जो हमारे ही भारत माता के टुकड़े करके, हमारे ही अखंड भारत का टुकड़ा करके दे दिया गया, और आज वह कहते जीवन पर्यंत भारत के लिए एक दंश की तरह खटकता है, हमेशा एक विषम परिस्थिति, चुनौतीपूर्ण परिस्थिति, एक ऐसे विषधर के रूप में खड़ा रहता है जिसके लिए कभी कभी ऐसा लगता है कि समस्त इसका समग्र समूल समाप्त करना ही बेहतर है। तो ये एक ऑप्शन है जिस पर, एक विकल्प है जिस पर बात की जा सकती है। अभी तक भारत जो है बहुत गंभीरतापूर्वक, भारत जो है वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाए हुए है, और फिर भी अब जब चूंकि भारत तालिबान ने अफगानिस्तान में अपने आधिपत्य की, अपने सरकार की घोषणा कर दी है, तो निश्चित रूप से भारत को अपनी जो रणनीति को बहुत ही सतर्कता के साथ इस पर काम करना होगा, क्योंकि तालिबान की जो सरकार बनी है उसे भारत के हितों पर पड़ने वाला प्रभाव अब साफ दिख रहा है। यद्यपि कि 2020 में ही भारत ने सुरक्षा और COVID-19 की चेताओं को देखते हुए हेरात और जलालाबाद में मौजूद अपने मिशन के बहुत सारे कर्मचारियों को भारत भेज दिया था, और पिछले महीने ही कंधार और मजार शरीफ के बाड़ी जो दूतावासों को भी बंद कर दिया था, फिर भी अभी तो संभवतः अधिकतर हमारे भारतीय वहां से कुशलतापूर्वक ले आए गए हैं। तो लेकिन अफगानिस्तान के बारे में सबसे निराश करने वाले अनुमानों में ज्यादा तेजी से उसका पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा किया जाना ही सबसे मुश्किल है। यद्यपि यह भी कठिन है कि अभी कितने भारतीय वहां फंसे हुए हैं इसका अंदाजा भी लगाना बहुत मुश्किल है। सरकार इसके लिए प्रयासरत है, वहां के बहुत सारे अधिकतम भारतीयों को सुरक्षित वह अपने यहाँ ले आई है, और इसके बारे में अभी भी प्रयास जारी है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उन खबरों से स्पष्ट हो रहा है कि मानवाधिकारों का घोर हनन हो रहा है, और इस मानवाधिकारों का घोर हनन भी इसके इस समस्या की का समाधान कैसे किया जाए यह भी एक विकट चुनौती है। तो भारत के लिए कई चुनौतियां हैं, भारतीय सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ी चुनौती है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन की बहाली से बहुत गंभीर चुनौतियां भारत के सम्मुख आई हैं। इनमें विकास अवसंरचना को सुरक्षित करने से लेकर अराजकता के शिकार अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने तक की स्थितियां भी एक बहुत कठिन चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का प्रसार दूसरी बहुत बड़ी चुनौती है, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को तालिबान से प्राप्त पुनः समर्थन और तालिबान की ओर लड़ रहे जिहादी समूहों को पाकिस्तान द्वारा पुनः भारत की ओर मोड़ दिया जाना भी एक बहुत बड़ी गंभीर चुनौती है। धार्मिक कट्टरवाद तीसरी विषम चुनौती है, और इसलिए भारत को एक दीर्घकालिक शांति और स्थिरता के लिए
इस क्षेत्र को कट्टरपंथ से मुक्त कराने जैसी चुनौतियों का भी बहुत ही विकट स्थिति के साथ सामना करना पड़ेगा। नई क्षेत्रीय भू राजनीतिक प्रगति भी इसके लिए कठिन चुनौती के सामने आएगी। भू राजनीतिक सरेखण जो इसको कहते हैं, चीन पाकिस्तान तालिबान का गठजोड़ का भी नया निर्माण हो सकता है जो भारत के हितों के विरुद्ध जा सकता है, तो इसलिए इस पर विशेष सतर्कता की जरूरत है। इसके साथ ही अमेरिका की वापसी, अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में सत्ता समीकरण के एक नए संतुलन की स्थापना की व्यवस्था भी एक व्यवस्था भी उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश अफगानिस्तान के नए शासन के प्रति अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को एक आकार एक शेप देने का प्रयास करेंगे। उस पूरी कहते हैं कि राजनैतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक परिदृश्य में स्वयं को भारत किस तरह से कितनी मजबूती के साथ खड़ा रहता है, और भारत का सबसे सशक्त पक्ष है कि वह आतंकवाद और तालिबान के द्वारा किए जा रहे निर्मम हत्याओं और महिलाओं पर अत्याचार जैसे विषयों को बहुत बहुत ही दृढ़ता के साथ उठाए, जो सामरिक दृष्टिकोण के आधार पर भी भारत के लिए अफगानिस्तान का बहुत महत्व है और इस संदर्भ में भी विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। मैं उदाहरण के लिए, रूस की तजाकिस्तान के साथ एक सुरक्षा संधि है और उसने अफगानिस्तान में उथल पुथल से मध्य एशिया में अस्थिरता के प्रसार पर नियंत्रण के लिए अपनी सैनिकों की संख्या वहां बढ़ा दी है, तो इसको सोवियत रूस के संदर्भ में भी देखने की आवश्यक है। तो अब लश्करे तोबा और जैशे मोहम्मद अफगानिस्तान में तालिबान के साथी रहे हैं और यह तालिबान को पाकिस्तान के माध्यम से जम्मू कश्मीर में विध्वंस या पुनः हमला करने का प्रोत्साहन दे सकते हैं। इन स्थिति के लिए सरकार को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अब ऐसी स्थिति में भारत के समक्ष विकल्प क्या उपलब्ध है, तो विकल्प ये है कि व्यापक राजनयिक संलग्नता ये बहुत आवश्यक है। भारत को अफगानिस्तान पर केंद्रित एक विशेष तरह की जो है पर्यवेक्षण समिति कहे या ऐसे विशेषज्ञों का की विश्लेषण और उस पर विचार मंथन की आवश्यकता है समिति द्वारा, और एक विशेष ऐसे दूत की भी आवश्यकता है जो प्रत्येक बैठक में भारतीय आशंकाओं अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति को साकार रूप दे। यद्यपि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी इसके लिए बहुत ही सक्रिय रूप से प्रतिबद्ध हैं और उसके प्रयास दिख भी रहे हैं, उसके परिणाम भी दिख रहे हैं, लेकिन भारतीय आशंकाओं अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति और तालिबान के साथ संलग्नता के स्वरूप को एक तरह से बहुत ही सतर्कता के साथ, विशेष सतर्कता के साथ इसकी समीक्षा की जाए और उसके लिए उपाय किए जाए। तालिबान और पाकिस्तान को अलग अलग खांचों में देखना ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। यद्यपि तालिबान पर पाकिस्तान को एक वास्तविक लाभ की स्थिति प्राप्त है, लेकिन यह पूर्ण या परम प्रभाव नहीं भी हो सकता है। कई बार ऐसे भी वक्तव्य आए हैं कि हम किसी भी देश को हम अपने अपने अफगानिस्तान से ये तालिबान से अफगानिस्तान से भी आवाज उठी है कि हम तालिबान ये कहता है किसी अन्य देश को हम अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग नहीं करने देंगे उनके अपने हितों के लिए, लेकिन यह कुछ कहना और वह साकार रूप में तालिबान अफगानिस्तान में दिख नहीं रहा इस वर्तमान तालिबानी हुकूमत की जो घोषणा हुई है उसके द्वारा। तो निश्चय ही तालिबान पाकिस्तान से एक हद तक स्वायत्तता की इच्छा रखेगा। भारत और तालिबान के बीच मौजूदा समस्याओं के दूर होने तक निश्चित रूप से भारत को अभी कुछ धैर्य बनाए रखना होगा, यह बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान के अंदर शक्ति के आंतरिक संतुलन को आकार देना हमेशा से कठिन रहा है। अफगानिस्तान एक तरह से शापित देश हो गया है जहां कभी न तो राजनैतिक स्थिरता रह पाती है और राजनैतिक स्थिरता नहीं रहने की वजह से वहां पर आर्थिक विकास और सामाजिक समीकरण सभी कुछ डमाडोल हुए रहता है। तो इसलिए यह मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है कि भारत एक धैर्यवान, ग्रहणशील और सक्रिय देश है जो एक तटस्थ और निर्गुट राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान भी रखता है। ऐसी स्थिति में मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि भारत की सरकार, भारत राष्ट्र अफगानिस्तान में
संतुलन के अवसरों को बखूबी पहचानेगी और उसका लाभ उठाएगी। तो भारत द्वारा अफगानिस्तान को जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए कई बिलियन डॉलर की अमेरिकी डॉलर की सहायता दी गई है, उस जो उसकी आबादी की सेवा करती है, इससे भारत ने जो सद्भावना वहां अर्जित की है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। भारत के जो अफगान के जो मूलभूत नागरिक है उनके लिए जो भारत ने जो प्रयास किए हैं उससे जो भारतीय नागरिकों की जो सद्भावना भारत के साथ है वह संरक्षित रहे, वह संवर्धित होती रहे, इसके लिए भारत को विशेष प्रयास करते रहना चाहिए। यह बहुत बड़ी पूंजी है भारत राष्ट्र की, भारत के सरकार की, यह बहुत बड़ी धरोहर है। सो वर्तमान में आवश्यकता यह है कि अफगानिस्तान में विकास कार्यों को अवरुद्ध होने से रोका जाए जो भारत ने के द्वारा वहां किए गए हैं, और उसके लिए सकारात्मक प्रयास जारी रहे। यद्यपि कि यह कठिन है, इन उपद्रवियों इन तालिबानी उपद्रवियों के साथ कुछ सृजनात्मक कुछ संरचनात्मक बात करना अपने आप में एक बहुत ही दुरूह कार्य है, लेकिन फिर भी अब मेरा यह मानना है कि 1990 के दशक की तुलना में आज आतंकवाद की वैश्विक स्वीकृति बहुत कम है। अब आतंक पूरा विश्व जो है आतंकवाद के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है, अधिकतम देश विश्व के एकजुट हुए हैं आतंकवाद के विरुद्ध। तो ऐसे में कोई भी बड़ी शक्ति अफगानिस्तान को आतंकवाद की वैश्विक शरण स्थली के रूप में उभरते हुए नहीं देखना चाहेगी, यह बहुत बड़ी सच्चाई है। और इसलिए इसके लिए पूरा राष्ट्र पूरा विश्व एक मंच पर आएगा, यह मेरा ऐसा विश्वास है, और जरूर तालिबान के इस विध्वंसकारी हुकूमत के प्रति भी एक दबाव विश्व स्तर पर बनेगा, यह जरूरी है और इसके लिए प्रयास भी किए जाने चाहिए। तो सामरिक दृष्टि से कूटनीतिक दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि भारत अन्य महत्वपूर्ण जो है नेतृत्वकारी राष्ट्र हैं विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले राष्ट्रों के विश्वास को ले और उसके संदर्भ में अपनी इस चिंता को भी रखे, जिसका प्रयास भी हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भी इस पर बात हुए हैं, व्यापार के संदर्भ में भी उसकी निरंतरता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारा बहुत पुराना एक संबंध है, व्यापारिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, लेकिन इसका जो ज्योग्राफिकल जो भौगोलिक स्थिति है अफगानिस्तान की, उससे हमारे वो सारे वो अन्य राष्ट्र जो भारत को कहीं ना कहीं से प्रभावित करते हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, सोवियत रूस है, इन सभी राष्ट्रों को के को उन सभी स्थितियों के बारे में उनसे अलग चर्चा होनी चाहिए, उन राष्ट्रों को मिला करके भी एक समूह की स्थापना कर इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ भारत नहीं पूरा विश्व चिंतित है। बेशक हो सकता है कि कोई राष्ट्र अफगानिस्तान और तालिबान को अभी समर्थन दे रहा हो, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वह राष्ट्र कुछ चिंताओं को लेकर के अपने आप को अनदेखी कर रहा हो। तो वो राष्ट्र जो इनके साथ खड़े हैं वो भी अपनी चिंताओं को लेकर बहुत सतर्क है, जो कुछ चिंताएं हैं। तो इस तरह से भारत के लिए जो है भारत और तुर्की के रिश्तों पर भी इसका असर पड़ सकता है, तो इसलिए इस पर भी बातचीत चल रही है। एक बात जो है जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता लगती है कि तालिबान से ज्यादा खुश इस समय पाकिस्तान नजर आता है, पाकिस्तान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और इसके लिए यह बहुत स्पष्ट सी स्थिति है कि भले ही तालिबान का राज लौटने से लाखों लोग मौत के साये में जी रहे हैं, जान बचाने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन तालिबान खान कहे जाने वाले इमरान खान को ये एक तरह की आजादी नजर आ रही है। ये बात जो है ये अपने आप में बहुत विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। तो तालिबान की वापसी में पाकिस्तान का अहम रोल है और पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवादी पलते हैं, विध्वंसकारी पलते हैं, इसे भारत राष्ट्र के को न तो भारत राष्ट्र कभी भूला है न सरकार कभी भूली है, इसके लिए विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। वर्तमान में एक और समस्या है जो कि हमारे अफगानी छात्र यहाँ विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनकी भी सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो अपने वीजा को लेकर के चिंतित है, उन्हें वापस जाना है, इन सारी चीजों के लिए ध्यान रखना होगा। हमारी चिंता उसके साथ वाजिब है, और इसलिए कि जो अफगानिस्तान है उससे हमारा आज का संबंध नहीं है, अफगानिस्तान जो है
वो बहुत पहले से भारत के साथ जुड़ा हुआ है और इसलिए भारत की जमीन जो है हमारे महाभारत काल से लेकर जिसे गांधार कहा जाता था उससे उसके साथ भारत का जुड़ाव है और इसलिए प्रागैतिहासिक काल से आर्यों के आगमन तक मानव बसाव जो है 10,000 साल से भी अधिक पुराना हो सकता है और इससे आर्यों के आगमन का ये क्षेत्र था और इसलिए गांधार महाजनपद था जिसके बारे में भारतीय स्रोत महाभारत में गांधार का वर्णन है। तो सामरिक दृष्टि से भी ये जो उथल पुथल हुआ है, तालिबान का जो आधिपत्य हुआ है, इसका बहुत महत्व है और सामरिक दृष्टि से हमें विशेष सतर्कता रखने की आवश्यकता है क्योंकि सामरिक चुनौतियां जो है वो विषम चुनौतियां होती हैं जिनका त्वरित सामना नहीं हो सकता है। तो सामरिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, सांस्कृतिक आदान प्रदान की दृष्टि से भी हमें विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। चाइना पाकिस्तान जैसे देशों को भी हमें अपनी चिंता के अग्रिम बिंदु पर रखना है कि इन कहते हैं कि विध्वंसकारी या इस तरह के तालिबान को समर्थन देने वाले इन राष्ट्रों के प्रति हम इनसे कैसे निपटे, एक सुदृढ़ नीति बनाए। फिर भी यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि भारत बहुत सशक्त राष्ट्र है और इस पे बहुत सारी चुनौतियां आई हैं, राष्ट्र ने उसका डटकर सामना किया है, यह भी इसका भी सामना भारत राष्ट्र करेगा। भारत की केंद्र सरकार बहुत धैर्य पूर्वक बहुत ही कहते हैं माइक्रो लेवल पर इसका विश्लेषण हो रहा है। एक पाठक के तौर पर, एक दर्शक के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर हम लोग इसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं और हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि सरकार इन चुनौतियों का समाधान निकालेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। म्यूट आप म्यूट है मोनिका जी। धन्यवाद वंदना जी, आपने बहुत ही सुनिश्चित शब्दों में भविष्य में अफगानिस्तान की इस घटना का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तालिबान के इस घटना से भारत में भी कुछ वामपंथी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, भारत के मनोबल को तोड़ने के लिए भारत के अंदर ही प्रयास किए जा रहे हैं, वह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और कुछ दूसरे राष्ट्र भी तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी एक विषम चुनौती बन के भारत के सामने आई है। इस सब से हमें अवगत कराने के लिए वंदना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं क्षमा चाहती हूँ, कुछ आवश्यक कार्यवश मुझे चलना पड़ा, शुक्ला जी को सुन नहीं पाई हूँ, ये कमी रह जाएगी, फिर कभी सुनूंगी शुक्ला जी आपको। नमस्ते नमस्ते, आप बाद में इसको सुन सकती हैं, तो लाइव स्ट्रीम में इसको बाद में सुना जा सकता है। हाँ जी, ये अपलोड हो जाएगा, आप बाद में भी सुन सकते हैं वंदना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति जी आपको नमस्कार, आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए अगेन आपको कीमती समय नहीं है, पूरा जीवन समर्पित है। धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं अपने कार्यक्रम में कुशल साथ ही समाज के हित में लगे श्रीमान करुणेश जी का उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। करुणेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना उद्बोधन दीजिए। जी नमस्ते मोनिका जी, और नमस्ते, काफी अच्छा लगा कि मैं फर्स्ट टाइम केशव संवाद में, जो हमारे संघ का ही एक प्रकल्प है, इसके माध्यम से हम लोग जुड़ रहे हैं, और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रीति बहन को, मैम को मैं नमस्ते करना चाहूँगा, और आपका भी बहुत बहुत आभार है कि हम इस कार्यक्रम में अपने जोड़ने का कोशिश किया। अभी अफगानिस्तान जो पिछले 20 सालों से, जब वहाँ पे एक बार तालिबान आया था पिछले 20 साल पहले, वहाँ पे भी सेम कंडीशन ऐसा कुछ बन गया था। तो उस समय जब अमेरिका की सेना वहाँ पे अफगानिस्तान में आती है और पूर्ण रूप से स्थिति को कंट्रोल में लेकर के और अच्छी तरीके से उसको सुचारू ढंग से चलाती है, आज जब अफगानिस्तान से अमेरिका की जो सेना है वो चली जाती है, उसके बाद क्योंकि अमेरिका की स्थिति ये होती है कि जब भी अमेरिका का एक भी सैनिक अगर मारा जाता है तो अमेरिका में के वहाँ के लोग
पूरी तरीके से लोगों को बड़ा बवाल करते हैं कि एक हमारा सैनिक क्यों मारा जा रहा है, हम क्यों अफगानिस्तान पे इस तरीके से कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी सेना को बुला लिया और धीरे धीरे उसी का परिणाम हुआ कि तालिबान फिर से वहाँ पे मजबूत स्थिति में आ गया और फिर से वहाँ पे आज तालिबानी अपने लोगों को मार काट करके और फिर से सत्ता पे काबिज हो गए। सबसे दुखद बात यह है कि वहाँ की जो प्रशासन है, जो वहाँ के सत्तारूढ़ लोग थे गनी, तो वो सब देश छोड़ के भाग गए। तो ये जो स्थिति बनी वहाँ पे, तो यहाँ पे आज जो हमारा विषय है अफगानिस्तान में तालिबान का आना, ये हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या असर करेगा और इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे मुख्य बात यह है कि एक तो राजनैतिक असर जो होता है वो तो पड़ेगा ही, और सबसे बड़ा असर जो पड़ने वाला है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से पड़ेगा, क्योंकि भारत में जो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे सूखे मेवे जैसे बादाम है, और जो जीरा हम लोग यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा अफगान से ही हमारा जीरा आता है, और इस तरीके की कई सारी चीज़ें खाने पीने वाली हैं जो हमें अफगान से ही मंगाते थे। और हमारे देश का जो 10% खपत था चीनी जो शुगर हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, वो हम लोग 10% चीनी हमारा अफगान के लोग खरीदते थे। तो अभी जो वहाँ पे सत्तारूढ़ लोग जो तालिबान के लोग आए हैं, तो ये तो एक विशेष गुट है, एक सांप्रदायिक भीड़ है, भीड़ तंत्र है यहाँ पे। इनके जो हम लोग इनके साथ में जो व्यापारिक संबंध स्थापित कर रहे हैं उसका कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं होता है। सरकार जब तक पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हो जाती है तब तक हम इस स्थिति में नहीं है कि हम उनसे व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छी तरीके से तालमेल बैठा पाए, क्योंकि अभी तालिबान की जो सरकार है, जो मतलब उसको कोई भी देश ज़्यादा अच्छी तरीके से मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत सरकार भी तालिबान को मान्यता देने के लिए पक्ष में नहीं है। तो इस तरीके की जो स्थितियां बन रही हैं वहाँ पे, तो ये व्यापारिक दृष्टिकोण से हमारी मेन प्रॉब्लम है कि व्यापारिक दृष्टिकोण से हमें वहाँ पे थोड़ा सा अभी हमारा सरकार जो है, जिस तरीके सरकार के नज़रिए से अगर हम लोग देखें, तो सरकार ये देख रही है कि वहाँ पे वेट एंड वॉच वाले स्थिति है कि अभी सरकार कौन बना रहा है, कौन वहाँ पे आ रहा है, कैसी क्या स्थिर सरकार आएगी। तो जिस तरीके से ग्वादर पोर्ट है और वहाँ पर तमाम सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे व्यापारियों ने वहाँ पे बनाए हैं, जैसे हाईवे है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, वहाँ का पार्लियामेंट हमारे भारत सरकार ने करोड़ों रुपए लगा करके वहाँ पे बनवाए थे, तो वहाँ पे जो पैसे हमारे भारत सरकार ने इन्वेस्ट किए वो भी एक कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में आकर के खड़ा है कि हम एक सब लोग चिंतित हैं कि क्या क्या होगा, क्या वो जो हमने पैसे लगाए वहाँ पे वो पूरा बेकार चला जाएगा, या हमारे जो राजनेता हैं, हमारे देश के प्रधान सेवक जी हैं, कुछ ऐसा स्टेप लेंगे कि जिससे वो ठीक प्रकार से चल मतलब हम उसको वो पैसा बर्बाद ना होने पाए, कहीं ना कहीं उस पैसे को हम लोग ऐसे तालमेल, जिस तरीके से अभी कतर में दूतावास में आकर के एक मीटिंग हुई, उसमें कहा गया कि हम तालिबान से अच्छे तालमेल बैठा करके चलेंगे और जो भी सरकार आएगी उसके बाद हम उसको सुचारू रूप से चलाएंगे। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे हैं, तालिबान ने भी वहाँ पे ये कहा है कि भारत ने जो भी यहाँ पे जो काम किए हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का कोशिश किया है, उसको हम बर्बाद नहीं होने देते। तो यह एक हमारे पास एक सकारात्मक पहलू है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से तालिबान और पाकिस्तान और चाइना और रसिया एक मतलब एक लोकतंत्र का ना होना वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि जब तक वहाँ पे लोकतंत्र नहीं आ जाता है तब तक हम लोग एक अच्छी सरकार के साथ में व्यापार करने से घबराते हैं, क्योंकि जब तक व्यापारिक मतलब कहीं हम उस जो भी हम लीगल पॉइंट ये बता सकते हैं कि लीगल पॉइंट ये होता है कि जब तक हम मान लिया कोई ऐसे अस्थिर सरकार है, अगर
उनका कोई लाइबिलिटी नहीं है, हम उनसे करोड़ों और अरबों की मान लिया कोई ऐसी डील करते हैं और उसको हम कहीं पे ले जाकर के उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, कहीं पे दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अस्थिर सरकार है, उसका कोई मान्यता नहीं है किसी कहीं पर। तो ये तो हो गया व्यापारिक दृष्टिकोण की, मतलब व्यापार की दृष्टिकोण से किस तरीके से वो हमारे लिए घातक है और किस तरीके से व्यापारिक दृष्टिकोण से एक तो यूएन भी और बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से हम उनको वहाँ पे एक गृह युद्ध की स्थिति बनी पड़ी हुई है, वहाँ पे आपस में लोग कट मर रहे हैं, बहुत सारी मतलब महिलाओं को बेचा जा रहा है और किसी को भी मतलब वो लोग मार देते हैं। ये शुक्र है कि हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है कि वहाँ से लोगों को बचा करके लेके आए हैं और वहाँ पे जो कुछ हम सांसद हुआ करते थे, जो भारत देश के कुछ ऐसे सिख भाई थे जो वहाँ पे सांसद थे, वो जब वहाँ पे पूरा सब कुछ छोड़ करके और भारत देश में भाग करके आए और यहाँ पर देख करके उनको इतना रो पड़े भारत भूमि पर आने के बाद कि मतलब मेरी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी वहाँ पर। तो इस तरीके का जो तालिबान के लोग वहाँ पे अत्याचार किए, लोगों की हत्याएं किए, ये सबसे बुरा वक्त था वहाँ के लिए। और राजनीतिक स्थिरता जब तक नहीं आएगा तब तक वहाँ का डेवलपमेंट तो पूरी तरीके से होना बहुत ही मुश्किल है। और वहाँ सबसे बड़ी लड़ाई जो है यहाँ पे वहाँ के खनिज पदार्थ जो वहाँ पे हैं, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वहाँ पे जिनका मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफ़ी ज़्यादा है और हर जगह पे आप अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि कहीं किसी देश में क्या चीज़ मतलब कोई खनिज ऐसा है, कोई पदार्थ ऐसा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उसका मूल्य काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब कोई स्थिर सरकार होती है तो वहाँ पे उसका रेट अच्छे मतलब नेगोशिएट किया जाता है और अच्छी तरीके से उसको सेल किया जाता है। लेकिन आज जो तालिबान की स्थिति है, तालिबान की जो मतलब सरकार अगर बनती है तो वो कौड़ियों के दाम में उसी चीज़ों को बेचेंगे और वो खुद अपना पेट भरने के लिए उसको यूज करेंगे और जनता का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मतलब टोटल तानाशाही वाला राज्य है, वहाँ पे कोई जनता का अधिकार कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए जो भी वो खनिज या लवण वो जो भी चीज़ बिक्री करेंगे वहाँ पे वो टोटल अपने सैनिकों पे, अपने लड़ाकों पे या अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनता का कोई इस तरीके का पूरा तानाशाही तंत्र वहाँ पे, जिसे क्रूरता का एक क्योंकि वहाँ पे किसी को बोलने का या लोकतंत्र जैसा अधिकार नहीं है होगा। तो ये सबसे बड़ी कठिन परिस्थितियाँ होंगी कि वहाँ पे हम किस तरीके से राजनीतिक दबाव बनाए, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक तरीके से किस तरीके से दबाव बना के उस सरकार पे कि तालिबान को हटा करके एक स्थिर लोकतंत्र की फिर से संरचना हो, ये सबसे अच्छा होगा। और भारत मोनिका जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर समय जैसे भी कुछ ज़्यादा होगा तो आप मुझे बता सकते हैं कि समय कुछ ज़्यादा हो रहा है तो मैं उस समय रोक दूंगा। तो हाँ, तो भारत की स्थिति ये है कि भारत के परिदृश्य में ये हो सकता है कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है या मतलब 2024 में केंद्र का यहाँ पे इलेक्शन होगा, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं मतलब जो यहाँ के लोग, जो पत्रकारों से मेरी बातें होती हैं, व्यापारियों से मेरी बातें होती हैं, तो कहीं ना कहीं 2022 में एक अच्छा रणनीति बन सकता है। और जो लोग पेट्रोल के दाम पे और इस पे राजनीति करते थे, अब वो एक राष्ट्रवाद पे अगर कि हमारी सरकार मजबूत नहीं होगी, इन तालिबानी लोगों पे अंकुश नहीं लगाया गया, अगर ये जो तालिबान के लोग जो भारत में पनप रहे हैं मदरसों के माध्यम से, क्योंकि एक तालिब जो शब्द होता है, तालिब मतलब पढ़ा लिखा उनके भाषा, और जो मदरसों से पढ़ा लिखा है उसको तालिब मतलब तालिब कहा जाता है, एक शब्द है ऐसा। तो ऐसे तालिबान और एक तालिब विचारधारा के लोग जो भारत में पनप रहे हैं उनके ऊपर अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो कहीं ना कहीं भारत की आने वाले करीब अगले दस सालों में या और भी कुछ समय में ऐसे तालिबों की संख्या भारत में बढ़ेगी और भारत की राजनीतिक स्थिरता को बिगाड़ने के लिए वो लोग प्रयत्न करते रहते हैं और फ्यूचर में करते रहेंगे, क्योंकि उनका जश्न मनाना, अफगानिस्तान में तालिबान का आना और भारत में तालिबान के समर्थन में जो लोग वहाँ पे बोले, तो उनका सीधा सीधा ये हम लोगों को समझ जाना चाहिए
कि उनका सीधा सीधा मकसद है कि भारत में भी कहीं ना कहीं तालिबान जैसा राज्य होना चाहिए, तालिबानी शासन आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तालिबान के सपोर्ट में बोला। तो महिलाओं के हुकूक के लिए जिस तरीके से वहां पे बंदिशें लगाई जा रही हैं, मतलब उनके कैसे कपड़े होंगे, कैसे उनके मतलब किस तरीके से वो चलेंगी, अच्छे मतलब अपने मन का कपड़ा नहीं पहन सकती हैं, तो ये जो चीजें हैं मतलब अफगानिस्तान में, और तालिबान की क्रूरता का हद है, पराकाष्ठा है। तो उस विचार को अगर भारत में सम्मान मिल रहा है, भारत के कुछ ऐसे लेफ्ट लॉबी के लोग हैं या ऐसे जिहादी तत्व हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, या ऐसी मानसिकता है उनकी कि ऐसे लोगों को समर्थन कर रहे हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जो केवल एक ग्रंथ पे विश्वास करते हैं, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल नेस्तनाबूत करना चाहिए भारत के अंदर। और ये तभी हो पाएगा कि जब एक सख्त सरकार आएगी, और कुछ मैंने इंटरनेशनल लोगों से जो राजनीति के बड़े अच्छे विश्लेषण करते हैं उनसे मेरी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया कि 2024 में भी इसका इफेक्ट, क्योंकि तालिबान इतना जल्दी जाने वाला नहीं आज के डेट में, तो अभी वो कुछ दिन रहेगा, तो अमेरिका की सेना हो सकता है कि अफगानिस्तान में आए दोबारा से या ना आए उनके समर्थन में, लेकिन अमेरिका कहीं ना कहीं, अमेरिका के जो सरकार है वो भारत के सेना से ऐसे मांग कर सकते हैं। ये हमारा उन लोग एक अपना विचार हम लोगों ने वहाँ पे एक रखा था, तो भारत की सेना से वो लोग या भारत सरकार से ऐसा वो लोग समर्थन मांगेंगे कि आप इस युद्ध में आप हमारा समर्थन कीजिए, क्योंकि अमेरिका की सेना फिर से दोबारा वहाँ पे अफगानिस्तान में लगाना मुमकिन नहीं होगा, और वहाँ की जो वहाँ के जो नागरिक हैं वो बड़ा ही विद्रोह कर देते हैं एक भी सैनिक मरने पे। तो भारत का जो सैन्य स्थिति है ये बहुत नज़दीक से है, और ये कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की सीमाओं से जुड़ता है। तो भारत की सेना अगर पीओके पे डील हो सकती है कि पीओके अगर वो हमारे भारत को, मतलब अमेरिका आकर के इसमें हस्तक्षेप करके, और पीओके अगर पूरी तरीके से स्वतंत्र करके अगर भारत को दे दे, तो इस पे नेगोशिएट हो सकता है कि भारत की सरकार कुछ अपनी सेना भेजे और वहां पे तालिबानियों को खत्म करने का ऐसा कुछ डिसीजन बना सकते हैं लोग, कि ऐसा कुछ रणनीति तय कर सकते हैं। और फिर से 2024 में अगर हमको पीओके मिल गया तो फिर से कहीं ना कहीं एक सख्त सरकार भारत में आ जाएगी, और हम तो यही चाहेंगे कि इस तरीके का कोई डील हो कि जिससे ये जो जिहादी तत्व हैं और जो तालिबानी हैं सोच के विचारधारा के लोग हैं उनको तालिबान से भी खत्म किया जाए, और जब सख्त सरकार आएगी या हमारा जो विचारधारा के लोग हैं जिस तरीके से हम लोग जिस संगठन से बिलोंग करते हैं, तो अगर एक अच्छी सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं हम अपने विचार के लोगों को बढ़ावा दे सकते हैं, और भारत को भी अच्छी मजबूत स्थिति में, अच्छी रणनीतिक स्थिति में ला सकते हैं, और उस समय जो जिहादी तत्व है उनका नेस्तनाबूत और उनका मनोबल डाउन होगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनका मनोबल डाउन करना, क्योंकि जब तक ये जिहादी तत्व का मनोबल डाउन नहीं होगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत हो, तब तक वो लोग अत्याचार करते रहेंगे, भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे, और अफगानिस्तान का जो हमारे आस्तीन के सांप है वो यहाँ पर बैठ करके भारत की धरती में भारत का अन्न और जल पी करके खा करके और पाकिस्तान और तालिबान के नारे लगाते रहेंगे, और ऐसी विचारधाराओं को मदरसों के माध्यम से भारत में बढ़ाएंगे। तो ऐसे लोगों को हमें नेस्तनाबूत करने का बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम उनको पूरी तरीके से खत्म कर सके। तो मुझे लगता है कि मेरा शायद समय अगर बचा हुआ है तो आप बताएं, नहीं तो मैं आप लोगों से धन्यवाद धन्यवाद करुणेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तालिबान शब्द का मीनिंग अच्छे से हमें समझाया, और तालिबों की संख्या बढ़ने से भारत को में रोकना होगा ये हमें बताया। मजबूत स्थिति लाने के लिए भारत सरकार को मजबूत कदम उठाने होंगे, उन्हें सख्त होना पड़ेगा, और साथ ही आस्तीन के सांपों को दूर भगाना होगा। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में और कम शब्दों में अपने विचार हमारे सामने रखे, मैं आपके इस उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
अब मैं आज के हमारे प्रीति जो हमारी अध्यक्ष है उनसे निवेदन करूंगी कि वो जिन विद्वत जनों का हमें पाठ्य प्राप्त हुआ उनका धन्यवाद ज्ञापन करने की कृपा करें। जी थैंक यू मोनिका जी। माननीय मुख्य वक्ता प्रोफेसर वंदना पांडे जी, सह वक्ता करुणेश शुक्ला जी, कार्यक्रम की संचालिका मोनिका चौहान जी एवं मनु माधव संस्थान से जुड़े हमारे हजारों श्रोतागण, आप सभी को मेरा अभिवादन। एक और वर्तमान एवं ज्वलंत विषय लेकर हम सभी आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसके विषय में प्रोफेसर वंदना पांडे जी ने हमें विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने हम सभी को बहुत ही सहजता से इस विषय से अवगत कराया है और हमें यह आश्वस्त भी कराया है कि हमारा भारत देश और हमारी केंद्रीय सरकार उन सब चुनौतियों से लड़ने के लिए, उन सब चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय को निकाल कर थोड़ा सा समय हमें दिया और इन सब जानकारी से हमें अवगत कराया है। हमारे कार्यक्रम के सह वक्ता श्री करुणेश शुक्ला जी, जिन्होंने इस विषय के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी है, तालिबान शब्द का मतलब हमें समझाया है और अफगानिस्तान का तालिबान पर भविष्य में जो भारत पर प्रभाव होगा उसका राजनीतिक पहलू और उसका व्यापारिक जो व्यापार की दृष्टि से जो भी समक्ष हम सब फेस करेंगे भारतवासी, उसका विस्तृत जानकारी उन्होंने हमें दी है। बहुत ही सीमित और सहजता सरलता से उन्होंने हमें इस विषय की जानकारी दी है। उनका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की संचालिका मोनिका चौहान जी को भी मेरा धन्यवाद, जिन्होंने मेरा नाम अध्यक्ष पद के लिए चुना, और धन्यवाद उनकी सक्रियता के लिए जो समाज में समय समय पर ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रमों को हम सबके समक्ष लाती हैं और उसमें अपनी सक्रिय भूमिका भी निभाती हैं। मोनिका जी आप हमेशा से ही सामाजिक व आध्यात्मिक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं, फिर चाहे वो फ्री कंप्यूटर सेवा हो या फिर फ्री ग्रूमिंग क्लासेस हैं, और कोरोना पीरियड में आपने जो क्लीनलीनेस, इन सभी की जानकारी पूरी निष्ठा के साथ जिसमें संलग्न आप रहती हैं, उस सभी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। अंत में एक बार फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी मुख्य वक्ता जी, सह वक्ता जी को, कार्यक्रम की संचालिका जी को, हमारे टेक्निकल टीम के सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सदस्यों को जिनके अथक प्रयास के कारण हमारा यह कार्यक्रम सफल हो पाया है, उन सभी का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उन सभी श्रोतागणों को जो मनु माधव संस्थान से जुड़े हैं और जो इस कार्यक्रम के को देख रहे हैं, जिस अपना कीमती समय निकाल कर जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार। मैं पुनः कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों व कार्यक्रम देख रहे सभी भाइयों और बहनों जो कि हमारे कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही मैं हमारी टेक्निकल टीम के सदस्य धीरज जी, दिनेश जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ रहकर कार्यक्रम का संचालन करते हैं। और साथ ही मैं सभी से निवेदन करूंगी कि कोरोना भी गया नहीं, तो सावधानी रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।